हमें कई बार लगता है कि हमारे पास ना जाने कितना टाइम है, पर ये टाइम कब निकल जाता है हमें कुछ पता ही नहीं चलता। कई बार हम पिछली जिंदगी में बीती बातों को याद करते हैं कि हमने कितने मजे किए थे या पिछला साल कितना औसम था, और फिर इस साल को या आगे आने वाले टाइम को सोचते हैं तो दिल दुखी होने लगता है कि यार पता नहीं इस साल को किसकी नजर लगी है, जबकि ऐसा कुछ होता ही नहीं। ये सब कुछ हमारे अंदर के वहम होते हैं जो हमें अंदर से खा रहे होते हैं, कि जैसे हमसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई हो या हमने कुछ ज्यादा ही टाइम कई गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया। अगर आपने अपना गोल सेट किया है तब तो ठीक है, तब तो आप अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से हैंडल कर सकते हो। पर यार अगर जिंदगी में कुछ सेट ही नहीं है तो जो मैं आपको बताने वाला हूँ उन चीजों को आज से ही करना बंद कर दो। यही चीजें हैं जो हमारी जिंदगी का सबसे ज्यादा टाइम लेती है या हमारी जिंदगी को पूरी तरह बर्बाद कर देती है। इसमें सबसे पहली चीज है किसी को अपने प्यार का एहसास दिलाना जबकि वो आप में इंटरेस्टेड है ही नहीं। इस पूरी दुनिया का हर एक इंसान ऐसे शख्स के चक्कर में पड़ता जरूर है जो उनको कुछ नहीं समझता, पर उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहता जरूर है। आपका यार किसी ऐसे शख्स को बार बार ये बोलना कि आप उसे कितना ज्यादा मानते हो, कितना ज्यादा उसके लिए फील करते हो, ये चीज उसके मन में वो एहसास जगा ही नहीं सकती जैसा आप चाहते हो। आप किसी से मिले, आपने उससे बातें की, आपने उसके साथ वक्त बिताया और उसे भी आपके साथ कंफर्टेबल फील होने लगेगा तो ही आपकी बात आगे बढ़ती है। आपके जबरदस्ती करने से कोई भी आपके साथ नहीं रहता। तो जिसको भी आप लाइक कर रहे हो उसे बहुत ज्यादा ये एहसास मत करवाओ, सिर्फ नॉर्मल बातचीत रखो और पहले श्योर हो जाने दो कि हाँ वो भी आपको कहीं ना कहीं लाइक करता या करती है, उसके बाद ही अपने मन की बातें सामने रखो और तब वो माने तो ठीक, वरना उनसे अलग रहने में ही भलाई है, वरना आपकी अटैचमेंट बढ़ सकती है। इसके बाद है हर एक लड़ाई को जीतना। जैसे कभी भी आपकी किसी से बहस हो जाती है और आपको पता है कि आपकी गलती नहीं है, गलती सामने वाले की है, तो भी फालतू के चिल्लाने से तो अच्छा है कि बात को वहीं खत्म कर दो। असल में आपको अपनी नजर में परफेक्ट बनना होता है, किसी दूसरे की नजर में नहीं। हर एक बार अपनी बात ऊपर रखना, हर एक बार लोगों से बहस करके उन पर चिल्लाना, ये यार आपकी रैपो को नीचे गिराएगा और लोगों की नजरों में भी आपकी इमेज गलत बनती चली जाती है। तो ऐसी फालतू चीजों पर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है खुद को काम रखा जाए और अपने आप को अंदर से खुश रखा जाए। इसके बाद है अपनों को खुश करने के लिए कोई भी काम करना जबकि आप उस चीज से खुश हो ही नहीं। कई बार लोग अपने सपनों पर काम करना छोड़ देते हैं इस वजह से क्योंकि उन्हें अपनी फैमिली देखनी है या उनके पेरेंट्स उन्हें सपोर्ट नहीं करते, या कई बार उन्हें लगता है कि हम शायद ही कर पाएंगे, जबकि पैसों के लिए कोई दूसरा काम करना ठीक है क्योंकि कई बार अपने काम में मेहनत लगती है और उससे अर्निंग काफी बाद में होती है। पर किसी भी चीज के लिए अपनी चीजों को बिल्कुल छोड़ देना ये ठीक नहीं है। आप मेहनत करो, शुरू में अर्निंग करो, पैसे जोड़कर अपनी फैमिली को भी चलाओ और कुछ सेविंग करके उसे अपने काम में भी जरूर लगाओ, क्योंकि किसी भी चीज को करते वक्त आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस होते हैं, या तो अपने दिल का काम करो या जो कर रहे हो उसमें दिल लगा लो। आप अपने काम में फतेह हासिल कर सकते हो अगर आपने किसी भी काम में अपना दिल लगा लिया। आपकी मेहनत और फोकस ही है जो ऊंचाइयों तक लेकर जाता है। सिर्फ इसी तरह से काम करो और खुद को साबित करो सबके सामने। इसके बाद है हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की मत सोचो, कुछ ऐसे ही टाइम पर छोड़ दो। देखो यार हर एक चीज हमारे हाथों में नहीं होती, हम जितने ज्यादा किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कई बार वो उतनी ही ज्यादा उलझने लगती है। जैसे कोई चीज आपसे गलत हुई और उसका आपको रियलाइज हुआ है तो खुद को ही माफ करो और बाकी सब वक्त पर छोड़ दो। अगर आपने बहुत ज्यादा उस गलती को सोचना शुरू किया तो ये आपके दिमाग पर हावी होने लगेगी जिससे आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, तो इन चीजों पर टाइम वेस्ट करना बंद कर दो। तो दोस्तों आई होप आपको ये बातें जिंदगी को समझने में काफी मदद करेगी, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही मोटिवेशनल बातों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से, और आपको मुझसे बात करनी हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मुझसे जरूर जुड़िए, इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।